भावुक कर देगा उनका ये भाषण। एसडीएम प्रियंका तो नहीं रही, पर उनका ये भाषण वायरल हो गया। आखिर कैसे जगी एक बच्ची के मन में जनसेवा की ललक, देखिए प्रियंका बिश्नोई का वो वायरल भाषण। राजस्थान के जोधपुर में अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट रही प्रियंका बिश्नोई का निधन हो गया है। प्रियंका का अंतिम संस्कार फलोदी के सुरपुरा में होगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी पिछले दिनों ही अपने संघर्ष से सफलता की कहानी के साथ मोटिवेशनल स्पीच देकर चर्चा में आई थी। प्रियंका के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जोधपुर में कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान बतौर अतिथि प्रियंका बिश्नोई ने अपने अधिकारी बनने के लक्ष्य की कहानी को बताया था और मौजूद बच्चों समेत अभिभावकों को प्रेरणा दी थी। प्रियंका बिश्नोई के मुताबिक जब वे 8वीं कक्षा में थी तो एक प्रतियोगिता में उन्होंने 3रा स्थान हासिल किया था। उस दौरान उपखंड अधिकारी से सम्मानित होने का मौका मिला था। अधिकारी की बत्ती लगी गाड़ी देखकर उनका बाल मन सम्मोहित हो गया। हालांकि कुछ ही घंटों और कुछ ही दिनों में बत्ती वाली गाड़ी की स्मृति धूमिल हो गई। 8वीं कक्षा में फिर से मौका जिला कलेक्टर के हाथों प्रियंका को सम्मानित होने का मिला। उस वक्त उन्होंने सरकारी अधिकारी बनने का तय किया। जब पहली बार वे उपखंड अधिकारी के कार्यालय गई तब से ही एक ललक जगी और उसके बाद पिता से हुए उनके संवाद ने उनकी जिंदगी का लक्ष्य ही बदल दिया। देखिए प्रियंका के भाषण का वो वायरल वीडियो। मेरे पास नहीं था लेकिन परिवारजनों से विचार विमर्श किया और तय किया कि बैंक की काफी भर्तियां खुली हुई है और मुझे बैंक का एग्जाम देना चाहिए। इस एग्जाम तैयारी के दौर में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मुझे फिर से उपखंड अधिकारी के कार्यालय में जाने का मौका मिला। उस दिन उनके कार्यालय के बाहर भीड़ को देखकर फिर से एक बार मुझे लगा कि इस पोस्ट के लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ। घर आकर मैंने दबी आवाज में अपने पिता से पूछा कि उपखंड अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, और उस वक्त ये प्रश्न पूछते वक्त मेरे पिता की आंखों में जो चमक थी वो चमक मेरे लिए मोटिवेशन बनी। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी ने भी अपनी युवावस्था में इन परीक्षाओं की तैयारी की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो मैंने तय कर लिया कि मुझे इस परीक्षा को देना है और इसमें सफल भी होना है।